वोट पाने की कोशिश में जुटे अखिलेश कांत से राम प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दिल्ली में विपक्ष की मीटिंग, एमके स्टालिन की अध्यक्षता में महासभा 2024 की रणनीति पर चर्चा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, कहा सपा मतलब भ्रष्टाचार और जमीनों पर कब्जा करने वाली पार्टी। पश्चिम यूपी से निकाय चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी बीजेपी, डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री को सौंपे प्रचार की जिम्मेदारी। 31 साल की चंद्रकांता बनी मिसेज उत्तर प्रदेश, बोली बर्तन झाड़ू निपटाकर सीखती थी मॉडलिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रयागराज में अशरफ को दोबारा लाने के लिए बरेली पुलिस वहां पहुंची हुई, जहां उमेश पाल अपहरण केस में सीजीएम कोर्ट में अशरफ की पेशी होगी। साथ ही उमेश पाल अपहरण केस में रिमांड बनेगा। बता दें कि पुलिस सीजीएम कोर्ट में रिमांड पर लेने की अर्जी डाल सकती है। बता दें कि सीजीएम कोर्ट में अशरफ की पेशी होनी है, जिसको लेकर प्रयागराज पुलिस अशरफ को लेने के लिए बरेली पहुंची हुई है। अशरफ को प्रयागराज लाने की प्रयास किया जा रहा है। सीजीएम कोर्ट में अशरफ की पेशी होगी। बता दें कि अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा है, सीजीएम कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अशरफ की पेशी को लेकर प्रयागराज पुलिस बरेली पहुंची हुई है। प्रयागराज में अशरफ को दोबारा लाने के लिए पुलिस बरेली पहुंची है, जहां उमेश पाल अपहरण केस में सीजीएम कोर्ट में अशरफ की पेशी होगी। साथ ही उमेश पाल अपहरण केस में रिमांड बनेगा। बता दें कि पुलिस सीजीएम कोर्ट में रिमांड पर लेने की अर्जी डाल सकती है। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता दें, जहां पर उमेश पाल अपहरण मामले में अशरफ को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जाएगा, जहां पर उस हाल ही में 28 मार्च को अतीक अहमद को सजा सुनाई गई थी, जहां पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं अशरफ को बरी कर दिया गया था। 10 आरोपियों में से 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया था, जिसको लेकर अशरफ को आज एक बार फिर से प्रयागराज पुलिस बरेली लेने पहुंची है, जहां उसे प्रयागराज फिर से वापस लाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पवन पटेल जुड़ेंगे। पवन, आज फिर से प्रयागराज पहुंची पुलिस वहां पर बरेली, जहाँ अशरफ को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जाएगा। जी बिल्कुल नंदनी, बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि पूरा जो घटना है वो 2005 से शुरू हुई थी, जब 2005 में राजू पाल को गोली और बम मारकर मौत के घाट उतारा गया था। उस पूरे घटना का चश्मदीद गवाह उमेश पाल, जिसको 2006 में अतीक एंड कंपनी द्वारा अपहरण किया गया था, और इस पूरे मामले को लेकर सन 2007 में दुमनगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जहाँ पर अतीक अशरफ सहित करीब 10 आरोपी थे उसमें। और 17 साल बाद इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, और इस फैसले पर अतीक सहित 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अशरफ भी इस मामले पे नामजद था, और पुलिस ने इसको जो है कोर्ट ने इसको 22 रिहा कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रयागराज पुलिस ने एक बार फिर से बरेली में डेरा डाला है, और फिर से अशरफ को प्रयागराज लाने की कयामत की जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस
दासराम को बरेली से लाकर सीजीएम कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी ताकि अशरफ को रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल को दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी, इस पूरे मामले को लेकर अशरफ और अतीक मुख्य रूप से आरोपी बनाए गए हैं, तो ऐसे में पुलिस जो है फिर से बरेली से अशरफ को लाकर प्रयागराज कोर्ट में पेश कर और अपने रिमांड पर लेने की जो है अर्जी दाखिल करेगी। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार पुलिस की टीमें अतीक और अशरफ के ऊपर कार्रवाई कर रही है और इनके आरोपियों को, इनके सहयोगियों को, इनके करीबियों को गिरफ्तार कर रही है, तो आने वाले दिनों में जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का कहीं ना कहीं खुलासा होने की जो उम्मीदें हैं वो नजर आ रही है। पुलिस बरेली में डेरा डाले हुए, अब जल्द ही अशरफ को प्रयागराज लाकर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जी नंदिनी जी, पवन देखिए, आज ही अतीक अहमद के एक गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है कि वो भी शूटरों को संरक्षण देने का काम किया था। जी बिल्कुल, अगर बीते कल की बात करें तो कल मेरठ में भी अतीक के बहनोई को गिरफ्तार किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि अतीक के उस बहनोई ने हत्याकांड में शामिल शूटरों को अपने घर में पनाह दी थी। देर शाम को प्रयागराज के सलोरी में भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर भी शूटरों को पनाह देने की जो है वो बातें सामने आई है। अगर आज की बात करें तो आज एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम नाम का जो आरोपी है वो अतीक के बहनोई के घर मेरठ में जाके पार्टी मनाने का वीडियो वो सामने आया है। हालांकि पुलिस द्वारा इन सभी वीडियो की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है और कयास लगाया जा रहा है कि जल्द इस पूरे घटना पे पुलिस एक बड़ा खुलासा करेगी, क्योंकि लगातार जब नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं ऐसे में पुलिस की जो चुनौती है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज एक महीने बीत जाने के बाद भी इतने बड़े हत्याकांड में पुलिस अभी तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब जिस तरीके से अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाने की जो कयावत है की जा रही है, तो कयास लगाया जा रहा है कि कोर्ट में पेश करने के बाद सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी पुलिस ताकि अशरफ को रिमांड पर लिया जाए और अशरफ से उस हत्याकांड के बारे में गहनता से पूछताछ की जाए, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस की चुनौती बढ़ गई है और अशरफ को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी ताकि उमेश पाल हत्याकांड का खुलासा हो सके। जी पवन, अखलाक की कल गिरफ्तारी हुई थी तो पुलिस में क्या पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अखलाक को मेरठ से गिरफ्तार किया गया, देर शाम को पुलिस उसको प्रयागराज ले आई और तमाम कागजी कार्रवाई करने के बाद नैनी सेंट्रल जेल उसको भेज दिया गया है। हालांकि उसको भी जल्द पुलिस रिमांड पर लेगी और उससे भी पूछताछ करेगी और पूरे घटना को लेकर पुलिस प्रयागराज सहित तमाम अन्य शहरों में, अन्य प्रदेशों में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और आज जिस तरीके से एक नया वीडियो सामने आया है गुड्डू मुस्लिम का, वो भी वीडियो कहीं न कहीं हत्याकांड का खुलासा करने में बड़ी मदद साबित करेगा और लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो कार्रवाई कर रही हैं। अब किस तरीके से एक लाख से पूछताछ की गई है और किस तरीके की बातें सामने आई है ये अभी तक बात स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस को इसमें एक अहम सुराग लगने की बात सामने आई है। कयास लगाया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रयागराज पुलिस जल्द ही बड़ा खुलासा करने वाली है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सलीम को लेकर मानहानी मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ आज गुजरात के सूरत स्थित सत्र अदालत में अपील दाखिल करेंगे। राहुल गांधी के वकील ने ये जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 के आपराधिक मानहानी मामले में कांग्रेस नेता खुद अदालत में मौजूद रहेंगे। बता दें कि सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल की जेल और 15,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें संसद सदस्यता के लिए अयोग्य कर दिया था। वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है।
जहां आज सुबह बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा है। सेटलमेंट क्यों है, इतना एरोगेंस क्यों है? इस देश की अदालत में ये सुंदरता है, इस लोकतांत्रिक देश में ये खूबसूरती है कि किसी भी डिफेमेशन केस में अदालत आपको मौका देती है अपने भूल सुधारने के लिए। द कोर्ट गिव्स यू एम्पल प्लेटफॉर्म टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक। अगर आपसे गलती हुई है आप कहिए मिलॉर्ड मुझसे गलती हुई है, मैंने ओबीसी कम्युनिटी का मजाक बनाया, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ करके हाथ जोड़ करके एफिडेविट लिख करके रफाल के केस में माफी मांगा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ झूठ उगलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कान पकड़वा करके माफी मंगवाया था, लिखित में माफी मंगवाया था और माफी मांगना पड़ा था। पहले तो याद करिए, सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल बाबा तैयार नहीं थे माफी मांगने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, यू हैव टू अपोलोजाइज एंड दैट टू इन रिटन थ्रू एन एफिडेविट। एफिडेविट देके माफी मांगनी पड़ी थी। सूरत के निचली अदालत ने यह मौका राहुल गांधी को दिया था, राहुल गांधी ने अपने एरोगेंस के कारण माफी नहीं मांगी क्योंकि उनको कटे में नमक लगाना था। अखिलेश यादव रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर है, जहां उनके स्वागत के लिए बनाए गए बैनर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे की फोटो एक बैनर में अलग अलग नजर आई। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बैनर से ऊंचाहार विधायक गायब दिखे, जिससे दोनों के बीच अनबन का अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि अखिलेश यादव ऊंचाहार विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं जनसभा नगर पालिका चुनाव से पहले दलित वोट साधने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, आज राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली दौरे पर हैं। देखिए नंदनी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अखिलेश यादव रायबरेली दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय निकाय चुनाव को देखते हुए ऐसे तमाम दौरे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करने वाले हैं और अपनी पार्टी में एक नई जान डालने की तरफ देख रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव भी तमाम लोगों का दौरा कर रहे हैं और अपनी पार्टी और संगठन की बात की जाए, अपने विंग की बात किया तो उसको मजबूत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आज रायबरेली के ऊंचाहार दौरे पर थे, जहाँ पे मनोज पांडे जो मुख्य सचेतक है समाजवादी पार्टी के, उनके विधानसभा क्षेत्र में है, लगातार दौरे कर रहे हैं और आगामी निकाय चुनाव को लेकर कई सारी रणनीतियां जो है वो समाजवादी पार्टी अब बनाते हुए देखी जा सकती है। और समाजवादी पार्टी इस निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में है। गठबंधन का प्रत्याशी जो है निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी अलग अलग जगहों से उतारेगी। इसके बाद अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव के अलावा जो आम चुनाव का मसला है, लोकसभा चुनाव का मसला है, तकरीबन 11 महीने इस लोकसभा चुनाव में रह रहे हैं तो एक तीसरे मोर्च की कवायद भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में उनको इस बार सबसे ज्यादा प्रयास में समाजवादी पार्टी को वोट मिले हैं, जो वोट ग्राफ बढ़ा है समाजवादी पार्टी का, जो अल्पसंख्यक के साथ जुड़े हैं उसको जो है इस ग्राफ को और बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज हासिल करके ज्यादा ज्यादा सीटें हासिल करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को एक तीसरे मोर्चे पे, एक तीसरे फ्रंट की जो है वो स्थिति अवगत कराने के दिशा में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लगे हुए हैं। आज रायबरेली से लेकर अगर ऊंचाहार की बात की जाए तो तमाम जो है स्वागत में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें मनोज पांडे के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई प्रकार के बैनर लगाए गए थे और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का बैनर अलग था, मनोज पांडे का बैनर इसमें अलग लगाया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि
मनोज पांडे के बैनर में स्वामी प्रसाद मौर्य का ना होना एक अनबन की बात हो सकती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये बैनर और पोस्टर कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया जाता है और मनोज पांडे के कार्यकर्ता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को इतने बड़े और काबिल नेता नहीं समझते होंगे कि उनके बैनर में स्वामी प्रसाद मौर्य को जगह दी जाए। बाकी उनके बैनर शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, तमाम बड़े पदाधिकारियों के फोटो उसमें लगी हुई थी, जो कि हर कार्यकर्ता जो है अपने नेता के लिए तमाम बैनर और पोस्टर लगवाते हैं। जी विवेक, वही, लेकिन जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी का एक एमवाई फैक्टर के साथ साथ दलित बैंक वोट जो है साधने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव द्वारा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार रामचरितमानस के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है और पीछे से अखिलेश यादव इसको सपोर्ट करते रहे हैं, बैकहेंड सपोर्ट करते रहे हैं, और रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं, कुछ पंक्तियां हैं उनपे ये विवाद हुआ था और कई बार उस सम्मेलन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर कई बार वो कह चुके हैं कि रामचरितमानस पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो लाइनें हैं, जो पंक्तियां हैं जिनपे दलित समाज के लिए ठीक नहीं बताया गया है, कई जगहों पे आपत्तियां दर्ज कराई गई है, उनको जो है वो हटा देनी चाहिए, उन पंक्तियों को बैन कर देनी चाहिए, उन पंक्तियों को रामचरितमानस जैसे ग्रंथ से हटा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं माई समीकरण के बाद अखिलेश यादव अब ओबीसी और दलित वोटर को साधने की फिराक में जुटे हुए, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि कैसे ओबीसी और दलित वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में खिसका था, और उसी प्रकार से 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत रही थी, लोकसभा चुनाव जो 2019 का था उसमें भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत रही थी। तो ओबीसी और दलित वोटर फैक्टर का मैटर बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कास्ट की जाति की राजनीति होती है, जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति जो है उसमें आधारित है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रही है कि जातीय जनगणना प्रदेश में कराई जानी चाहिए, जिससे हर जाति को उसका हिस्सा पता हो सके और उसके हिसाब से सरकार जो है समन्वय करके उस हिसाब से योजनाएं लागू कर सके, और सबका साथ सबका विकास जो नारा है सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया, वो तभी पूरा हो पाएगा जब हर जाति की, हर वर्ग के लोग की इसमें हिस्सेदारी होगी। तो तमाम तरह की चीजें हैं, लगातार अखिलेश यादव जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और रामचरितमानस के मुद्दे को भी वो बैकग्राउंड से सपोर्ट देते रहे हैं, तमाम तरह की चीजें इसमें देखी जा सकती है। अब माई समीकरण के बाद उनको पता है कि माई समीकरण मुस्लिम और यादव का समीकरण उनके साथ पहले से बना हुआ है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो ओबीसी और जो दलित वोटरों की बात है इसमें से रवारी करना चाहते हैं, जो भाजपा के पास ये वोटर जो खिसकते चले जाते हैं इसमें से नुमारी करना चाहते हैं, ताकि इस चुनाव में निकाय चुनाव से लेकर जो आम चुनाव है उसमें अच्छी पकड़ जो है वो समाजवादी पार्टी बना सके और लोकसभा चुनाव में एक तीसरा फ्रंट जो है केंद्र की सरकार के सामने रख सके। वही आज जो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो काशीराम मूर्ति का अनावरण करेंगे, इसको लेकर बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने तंज भी कसा है। जी बिल्कुल, काशीराम की सोच जो है वो बसपा शुरू से फॉलो करती आई है और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जो है वो उनको आदर्श ही मानती आई है, हर बार की तरह जो है चाहे वो परिवार दिवस हो या फिर कोई कार्यक्रम हो, बाबा साहब से लेकर काशीराम जो उनके विचार थे उनकी बात शुरू से ही बसपा सुप्रीमो करती आई है। अब भाजपा भी जो है वो लगातार जो है दलित वोटरों के लिए बाबा साहब की जयंती मनाती है, तमाम तरह के कार्यक्रम शुरू कर रही है, तो देखा जाता है कि पहले अगर पारंपरिक तौर पे बात की जाए, पारंगत तौर पे बात की जाए तो दलित वोटर जो है बसपा का कोर वोटर होता था, लेकिन पिछले समय में हमने देखा है कि दलित वोट जो है वो भाजपा की तरफ खिसका हुआ है और इसी को साधते हुए दलित वोट बैंक की राजनीति को साधते हुए अखिलेश यादव जो है वो इस प्रकार की कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं ताकि दलित वोट बैंक जो है वो बसपा का कोर बैंक न रखे उनकी तरफ भी आए और जो वोट जो है भाजपा की तरफ खींचा चला गया है उनको भी अपनी तरफ साधने की कोशिश करें। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। बता दें कि उन्होंने अपने बेटे के बर्थडे पर सरकारी पैसों से भगवान शिव और उनके त्रिशूल से बने केक को काटा, जिसका फोटो अब वायरल हो रहा है। फोटो वायरल होने के बाद जिले और प्रदेश में हिंदू संगठन के लोगों में रोष नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग उन्हें डीएम पद से हटाने की भी मांग कर रहे हैं।
मैनपुरी करहल में निजी स्कूल के कार्यक्रम में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की फसलों में आग से हो रहे नुकसान को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि और आंधी तूफान से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, भाजपा को सबसे ज्यादा किसानों की मदद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि फसल बीमा से फसलों में नुकसान की पूरी भरपाई होगी, पूरी लागत से किसान ने फसल तैयार की है लेकिन फसल की कीमत नहीं मिल रही है। साथ ही कहा कि आलू की परेशानी किसान के ऊपर आई तो सरकार ने किसान का आलू नहीं खरीदा। सरकार ने अपने बजट में 1,000 करोड़ रुपया आलू के लिए रखे थे, सरकार का बजट झूठा था। इस समय भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा किसानों की मदद करनी चाहिए, और इसलिए मदद करनी चाहिए ओलावृष्टि से, आंधी तूफान से, बारिश से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है और कुछ क्षेत्रों में कुछ किसानों का पूरी बर्बादी हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसान बीमा फसल योजना के माध्यम से किसानों की पूरी भरपाई होगी। आज सरकार की तरफ किसान देख रहा है, आखिरकार मेहनत करके पूरी लागत लगा करके किसान ने जब अपनी फसल तैयार कर दी तो उसकी फसल की कीमत क्यों नहीं मिल रही? क्या ये किसानों के लिए जो फसल बीमा योजना थी उद्योगपतियों की मदद के लिए थी या किसानों की मदद के लिए, ये सरकार बताए। और जिस समय आलू की परेशानी किसान के सामने आई, एक भी आलू इस सरकार ने नहीं खरीदा। जब सरकार ने बजट में 1,000 करोड़ रुपए रखे थे आलू के लिए, तो मैं सरकार से और ये किसान जानना चाहता है कि भाई आपने आलू क्यों नहीं खरीदे? अगर एक भी आलू खरीदा हो तो बता दो। तो इसका मतलब ये इनका बजट झूठा था। कानपुर में बहुमंजिला इमारत अब जानलेवा साबित होती जा रही है। बासमंडी अग्निकांड के बाद अब बेकनगंज में नियमों की अनदेखी कर बनाई गई मंजिली इमारत के बेसमेंट के 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। इस आग से दुकान के अंदर रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ये इमारत अभी हाल ही में बनाई गई है और ईद के चलते दुकानदारों ने बेसमेंट में लाखों का माल भरकर वहां रख दिया था। वहीं सूचना के बाद समरसेबल और अन्य संस्थानों में आग पर काबू पाया गया। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि इस आग से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र के देवी चुंगी के 2 युवक पास के ही गांव शिव सिंघूर में बांस काटने के लिए गए हुए थे, तभी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों और मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे सैफई पैरामेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया, तो वहीं एक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। और एक विकास, दो जो लगभग 30 साल और 23 साल के जो दो लड़के हैं, ये लोग देवी के रहने वाले हैं। ये लोग गए थे शिव सिंहपुर पड़ता है गांव पास में ही, वहां बांस काटने गए थे। बांस के पास जो है हाई वोल्टेज की बिजली करंट था, वो टच हो गया। टच होने के बाद दोनों झुलस गए हैं, जिसमें एक किस्ती काफ़ी गंभीर है और एक भी दूसरा झुलस गया है, और दोनों हॉस्पिटल लाए गए थे। एक को भी रिफ़र किया गया है यहाँ से और एक की इलाज चल रहा है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस